नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड कप की गारंटी है। मैं हूं समीप राजगुरु और ये गारंटी समीप राजगुरु की नहीं है, ये गारंटी है रोहित शर्मा एंड कंपनी की, जो इस वक्त अमेरिका में वर्ल्ड कप खेल रही है। और आज वर्ल्ड कप का मैच है दोस्तों, जागो, उठो, जोश मनाओ। और ऐसा रेड हॉट परफॉर्मेंस जो टीम इंडिया का चल रहा है, इसलिए लाल जो टी शर्ट है मेरी चमक रही है आज, वरना मैं ब्लीड ब्लू हूं, एकदम ब्लू को बैक कर रहा हूं और आपको भी करना है। और आज हमारा चौथा मुकाबला है ग्रुप स्टेज में, और ये चौथा मैच किसके खिलाफ है, ये कमजोर टीम के खिलाफ है। और कमजोर को ठीक से पीटना चाहिए, ये बताना चाहिए कि तुम कमजोर हो। कनाडा के खिलाफ ये मैच है और जीत का चौका लगाने का मौका है ग्रुप स्टेज में। टीम इंडिया पहले ही वैसे क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन चिंता ना करें, मैच मैच होता है और मैच जीतना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि क्वालिफाई कर गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मुकाबले को यहां पर हार जाएं या आराम से ले लें। पॉइंट्स टेबल में भी आप देख सकते हैं टीम इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, सबसे ऊपर है, लेकिन जो दूसरी टीम है वो यूनाइटेड स्टेट्स की टीम है। कमाल कर दिया, पाकिस्तान की टीम को उन्होंने बाहर कर दिया और पाकिस्तान जो है जल्दी घर लौट रही है। और यहां पर जो हिंदुस्तान की टीम है आज जीत का चौका लगाने के लिए देख रही है। ये पॉइंट्स टेबल, इसको जल्दी से आप देख लीजिए, पॉइंट्स टेबल का कोई ज्यादा मतलब अब रह नहीं गया है क्योंकि टीम इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है। अब आज मुकाबला जो है फ्लोरिडा के मायामी में खेला जाएगा। और यहां की अगर पिच की बात करें, यहां पर अगर टीम इंडिया के रिजल्ट्स की बात करें ना, तो टीम इंडिया का रिजल्ट बिल्कुल एकदम रेड हॉट है, चमचमाता हुआ, क्योंकि यहां पर जो है टीम इंडिया ने 5 मैचेस जीते हैं, 1 मुकाबला सिर्फ हारा है। और पिच की अगर यहां पर बात करें तो पिच टीम इंडिया को यहां पर रास आएगी। और पिच रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं और ये थोड़े से आपको डिटेल्स दे देते हैं वैसे ग्राफिक के जरिए कि ये कहां कहां मुकाबला होने वाला है। बल्लेबाजों को काफी मजा आएगा यहां पर, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2016 में यहां पर हम एक मैच हार गए थे, आखिरी गेंद में 2 रन चाहिए थे और महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो स्ट्राइक पे थे और एक लपू सा कैच पकड़ा दिया उन्होंने मिड विकेट पे और आउट हो गए। टीम इंडिया 1 रन से उस मैच को हार गई। और आप देख सकते हैं कि पहले बैटिंग करने का फायदा यहां पर होता है, तो जो टीम टॉस यहां पर जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करेगी। और 8 में से 5 मुकाबले भारत ने यहां पर जीते हैं, ये आपका पिच का आंकड़ा। और ये है जिस पर हर किसी की नजर होगी। मैं जा रहा हूं भाई, और भी आपको दिखाऊंगा, इसको फुल स्क्रीन दोबारा मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से टीम इंडिया का लाइनअप हुआ है। यह है सुपर 8 का मुकाबला, जिसको जीतने के बाद टीम इंडिया सेमीफाइनल पहुंचेगी। पहला मुकाबला 20 जून बार्बाडोस में अफगानिस्तान के खिलाफ, ताबड़तोड़ खेल रही है अफगानिस्तान, हल्का नहीं ले सकते। जी हां, दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ, जरूर कह सकते हैं कि बांग्लादेश काफी कमजोर नजर आ रही है, 22 जून को एंटीगा में। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये बड़ा मैच भारत का 24 जून को सेंट लूसिया में, और उसके बाद गयाना में सेमीफाइनल और फिर लौट के आएंगे बार्बाडोस में फाइनल 29 जून को। उम्मीद है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं सचिव जय शाह ने कहा था कि 19 जून को भारत का झंडा जो है वो ऊंचा फहराएगा बार्बाडोस में, यानी कि वर्ल्ड कप जीतेंगे हम, तो उम्मीद है उसका सफर शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, एक पैकेज आपको दिखाते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया आज लगाएगा जीत का चौका। भारत की आंधी में उड़ा आयरलैंड, पिद्दी पाकिस्तान को फिर किया पस्त, अमेरिका में अपनों को किया ध्वस्त, कनाडा को कुचलो, जीत का चौका जड़ो, सुपर 8 की कर लो तैयारी, वर्ल्ड कप अब की बारी। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया का सफर सुपर हिट रहा है। आयरलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका को हराने के बाद भारत की नजर अब कनाडा को कुचलने पर है। भारत पहले ही सुपर 8 में जगह फिक्स कर चुका है। कनाडा के खिलाफ भारत का यह मैच ड्रेस रिहर्सल है। रोहित की टोली इस समय टनाटन फॉर्म में चल रही है। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम के मुश्किल पिच पर भारत ने 3 मैच जीतकर इसका सबूत दे दिया है। भारत अब फ्लोरिडा के लॉडर हिल में चौथा मुकाबला खेलेगा, जहां रनों का अंबार लगाने के लिए रोहित विराट तैयार बैठे हैं। फ्लोरिडा में भारत का रिकॉर्ड दमदार है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर
8 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 5 में उसे जोरदार जीत मिली है। आपको बता दें, फ्लोरिडा में बारिश आंख मिचौली का गेम खेल रही है। मैच के दौरान भी बारिश विलन का रोल प्ले कर सकती है। हालांकि टीम इंडिया को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश से अगर मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। फिलहाल भारत को सुपर 8 के लिए कमर कस लेनी चाहिए, जहां उसके सामने ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज होगा। बिल्कुल, जीत का चौका लगाओ, कॉन्फिडेंस को ऊपर करो, आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर लेकर जाओ और फिर सुपर 8 में सबको धुआं धुआं कर दो। यही टीम इंडिया का यहां पर इरादा होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, रणनीति होनी चाहिए। और सबसे जरूरी है कि सुपर 8 में टीम इंडिया को बड़ी टीम्स मिलेंगी और एक ऐसी जगह पर वो मुकाबले खेले जाएंगे जहां पर पिच यूएस की तरह धीमी और नीची नहीं रहने वाली है। धीमी जरूर होगी, लेकिन हिंदुस्तान की तरह वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो जरूरी है चौथा मैच जीतें, जीत का चौका जड़ें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुपर 8 में जाएं। लेकिन इसके लिए जरूरी, पता है आपको क्या है, एक खिलाड़ी है जिसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आया, लेकिन उसके साथी खिलाड़ियों को भरोसा है कि हो सकता है कि आने वाले इन 3 मैचेस में, आज को लगाकर 4 कह देता हूं, 3 सुपर 8 के मुकाबले में भी हो सकता है आपको वो शतक लगाता हुआ दिखे। मैं बात कर रहा हूं किंग कोहली की। न्यूयॉर्क में नहीं चला विराट बल्ला, फ्लोरिडा में कोहली जमकर फोड़ेंगे। विराट पर आई भविष्यवाणी, एक नहीं 3 शतक की कर लो तैयारी। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का आगाज बेहद खराब रहा है। 1-4 और 0 ये विराट के T20 वर्ल्ड कप के 3 स्कोर हैं। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में विराट ने इससे पहले 27 पारियां खेली, सभी में नंबर 3 पर उतरे और कभी भी 5 रन के अंदर आउट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही विराट ने ओपनिंग शुरू की, 5 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके। न्यूयॉर्क की पिच विराट के लिए भले ही अनलकी साबित रही हो, लेकिन फ्लोरिडा के मैदान पर विराट का शतक लोड हो रहा है। विराट ने इस मैदान पर 4 मैच की 3 पारियों में 21 के औसत से 63 रन बनाए हैं। विराट का ये रिकॉर्ड देखकर क्रिकेट फैंस को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया के ताबड़तोड़ ऑलराउंडर शिवम दुबे ने विराट का सपोर्ट किया है। शिवम के मुताबिक इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोहली ने पहले 3 मैचों में रन कितने बनाए हैं, वो अगले 3 मैचों में 3 शतक ठोक सकते हैं। शिवम ने विराट पर बात करते हुए बताया, कोहली के बारे में बात करने वाला मैं कौन होता हूँ? अगर उन्होंने 3 मैचों में रन नहीं बनाए हैं तो हो सकता है कि वह अगले 3 मैचों में 3 शतक बना ले और फिर कोई चर्चा नहीं होगी। हम सभी उनके खेल और खेलने के तरीके को जानते हैं। शिवम दुबे के साथ साथ टीम के बाकी खिलाड़ी भी विराट से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोहली को ओपनिंग का मोह छोड़ना होगा। Come on, King कोहली, लगा दो यहां पर शतक। और भाई 4-4 शतक लगा दे लगातार, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये किंग कोहली है। लेकिन मुश्किल जरूर है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की धीमी और नीचे रहने वाली पिचेस पर लगातार शतक लगाना, लेकिन शतक तो किंग कोहली से आ ही सकता है। उम्मीद करें तो किससे करें, किंग कोहली से ही करें ना, उनके अलावा किसी से इतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई 4-4 शतक जड़ दे। और उम्मीद है कि कोहली ऐसा कुछ करेंगे, और ऐसा कुछ करेंगे तभी इस बार आप वर्ल्ड कप जीतेंगे। वरना ये जो आपका 2011 से लगातार इंतजार जो चल रहा है कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, करीब 13-14 साल होने वाले हैं कि आप एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, वो इंतजार खत्म हो सकता है अगर ये जो शतक की हम बात कर रहे हैं ये किंग कोहली के बल्ले से आ जाए। लेकिन फिलहाल फ्लोरिडा की अगर हम बात करें, फ्लोरिडा का मौसम भी बहुत जो है एक जो कहते हैं ना इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है। हर किसी की दिलचस्पी है कि आखिरकार मियामी में आज मुकाबला तो होगा, लेकिन क्या मौसम इसकी इजाजत देगा, ये हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में मैं एक लंबी छलांग लगाऊंगा, यहां से टीवी से निकलकर सीधा यूट्यूब पे इंडिया टीवी क्रिकेट, जहां पर हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, आपस में आपकी बात होगी, मेरी बात होगी और खूब सारी बातें हम करेंगे आज के मुकाबले के बारे में, टीम इंडिया के चांसेस के बारे में और
सारे न्यूज अपडेट के बारे में, कहां पर? इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। और इसके बाद ब्रेक के बाद जब लौटेंगे थोड़ा मौसम की बात करेंगे और इसके अलावा पंत की भी बात करेंगे जिन्होंने किया है जबरदस्त कमबैक। वर्ल्ड कप की गारंटी है और आपको मैं बता दूं कि आज हिंदुस्तान का मुकाबला है कनाडा के साथ और इसमें कोई शक नहीं कि जीत का चौका लगेगा। लेकिन मौसम का अपडेट सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं क्योंकि मौसम पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। और मौसम की अगर बात करें तो 50% बारिश की आज आशंका जो है वो जताई जा रही है। और आपको याद होगा कि कल का मैच धुल गया था जिसकी वजह से यूएसए जो था वो क्वालिफाई कर गया था, एक पॉइंट उन्हें मिल गया था। और वो मैदान जो है फ्लोरिडा का बता रहे हैं बहुत गीला है, भारी हो रखा है और ऐसे में वहां पर मुकाबला जो है वो देरी से शुरू हो सकता है। और बारिश की मैं बात बता दूं, करीब 20 मिनट बाद जो मैच शुरू होगा सुबह 10 और 11 बजे तक वहां पर बारिश है, यानी कि अगले 2 घंटे बारिश है, उसके बाद पूरे दिन भर बारिश नहीं है। लेकिन क्या मैदान सुखा पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि आउटफील्ड ढका हुआ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा वहां के ऑर्गेनाइजर्स के लिए। तो देखना होगा कि पूरा मुकाबला हो पाता है या नहीं, हो सकता है कि यहां पर छोटा मुकाबला देखने को मिले 8-9, 5-5 ओवर का इस तरीके से। तो संभावित 11 स्थिति में टीम इंडिया की क्या हो सकती है, संभावित 11 कुछ इस तरीके से है कि अगर बात करें टीम की तो कोई बदलाव टीम में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता है। और ये कनाडा की संभावित 11 आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है आपको कनाडा की संभावित 11 में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी देखना जरूरी है कि आपके सामने आज विरोधी कौन है। तो चलिए पहले हम आपको अब दिखा देते हैं कि हिंदुस्तान की संभावित 11 क्या हो सकती है। कोई बदलाव नहीं दिख रहा है और हालांकि लगातार फैंस ये जरूर कह रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि एक बदलाव यहां पर होना बहुत जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं शुभम दुबे की जगह या तो आप यशस्वी जायसवाल या संजू सैमसन को लाएं या कुलदीप यादव को जरूर टीम में एक बार जगह दें, जिससे कि जब सुपर एट में पहुंचे तो वो भी रवा हो, क्योंकि आपके बेस्ट स्पिनर हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर। और आपको सबसे पहले मैं इंडिया टीवी पर अपडेट दे दूं हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां पर कनाडा के साथ अब से कुछ देर बाद मुकाबला शुरू होना था, 7:30 बजे जो है टॉस होना था करीब 8 मिनट के बाद, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि भारतीय समय अनुसार 7:50 में मैदान का मुआयना किया जाएगा एम्पायर्स द्वारा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा, यानी कि मैच का देर होना तय है, करीब आधे घंटे की देरी से यह मुकाबला शुरू हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआती सुबह 10 बज रहे वहां पर 10 से 11 बजे तक लगातार बारिश होने की आशंका जताई जा रही है, उसके बाद बारिश नहीं है, लेकिन फिलहाल यह तय हो गया है कि यह मुकाबला जो है देर से शुरू होगा क्योंकि 7:50 में पिच और मैदान का मुआयना करेंगे यहां पर एम्पायर्स। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां से सीधी एक लंबी छलांग लगाकर मैं पहुंचने वाला हूं इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम खुलकर विस्तार से और बातचीत करेंगे इस मुकाबले के बारे में। लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ब्रेक के बाद आपका कौन इंतजार कर रहा है, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होगी, तो क्या बात होगी, यूपी पर योगी ने कौन सी रिपोर्ट तैयार की है, पूरी रिपोर्ट देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद इंडिया टीवी।